नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छात्र जदयू नेता हैं, साथ में एसयू कॉलेज के कॉलेज प्रतिनिधि रह चुके हैं ऋषु पटेल जी। इनसे जानेंगे कई सवाल। लगातार छात्रों की समस्या को ये सुनते हैं और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का मात्र एक अंगीभूत इकाई एसयू कॉलेज है जो कि अनुमंडल भर का मात्र एक है। जानेंगे कि इन दिनों क्या क्या होने वाला है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा। सबसे पहले मेरा नमस्कार। और पाटलिपुत्रा में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 22-25 सत्र वाले को एग्ज़ाम 20 अप्रैल से होने वाली है, जिसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। सभी छात्र छात्राओं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, देख लें कि इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करना है और तारीख देख लें कि मेरा कौन कौन दिन का एग्ज़ाम है और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दें। और 24 अप्रैल से पार्ट थर्ड के एग्ज़ाम है, उसका भी एडमिट कार्ड 2-3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। और 9 अप्रैल से पार्ट टू के एग्ज़ाम है, जो भी 2-4 दिन के अंतराल में एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में परीक्षा फल मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निकला है, उसके लिए भी कुछ छात्रों के लिए कहेंगे सर? हाँ, उसमें भी जो इस बार जो छात्र छात्राओं पास किए हैं उनके लिए भी जो प्रोत्साहन मुख्यमंत्री के द्वारा जो 25,000 रुपया है, उस वो जल्द लगता फॉर्म का डेट दे दिया गया, वो भी भरना स्टार्ट हो गया है। चलिए ऋषु जी, जानते हैं कई ऐसे सवाल है जो मन में आ जा रहा है। बताइए कि भीमराव अम्बेडकर पूरे देश में मना रही है, जदयू भी मना रही है, क्या लगता है आपके नज़र में हिलसा प्रखंड क्षेत्र में भी? हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया था कि पूर्व संध्या के संध्या पर दीप जलाना है, तो उसमें सभी जदयू कार्यकर्ता अपने अपने घर के गेट द्वार पर मतलब कि जो दीप जल प्रज्वलित किए हैं। और हमारे हिलसा विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायतों में भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया गया है। हमारे माननीय लोग भी मना रहे हैं और कार्यकर्ता लोग भी इसमें मना रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है कि हर दलित शोषित और पिछड़ा वर्ग और हर सबको आज एक साथ लेकर चल रहे हैं और सबको ऊपर करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि पहले का जो भीमराव अम्बेडकर थे, अब का इस बार काफ़ी संख्या में हिलसा प्रखंड क्षेत्र में उनका जयंती मनाने को देखने को मिला है? पार्टियां कई मना रही है, आम संगठन मना रही है, स्कूल कॉलेज मना रहा है, शिक्षण संस्थान मना रहा है। हाँ, देखने सरकारी छुट्टी है आज के दिन, देखने को मिला है कि सभी जगह मतलब कि मनाया जा रहा है। हम लोग भी मनाए हैं सब जगह। अब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं और उन्हीं के राह पे, जो वो नहीं रहते तो आज हम नहीं रहते। गरीब पिछड़ा दलित को आवाज़ दिलवाएं, सब कुछ उन्हीं का